संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंजाब के किसानों ने सोमवार को दूसरे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मोर्चे ने 3 दिन के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपनी मांगों के समर्थन में किसान मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पहुंचे हुए हैं। कम से कम 4 किलोमीटर तक यहाँ पे जो ट्रैली ट्रैक्टर है वो पहुँच चुके हैं। जो आज का प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे की, थोड़ी देर में मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद जो अपनी सेंटर की मांगे हैं उसमें से जो अपना राज्यपाल है उसको मांग पत्र दिया जाएगा। जो हमारे किसान बड़े लीडर ने वो जाएंगे। जो पंजाब की मांगे हैं उसमें जो पंजाब से रिलेटिव हैं वो जब तक मुख्यमंत्री मीटिंग नहीं देते या जो हमारी मांगे माने नहीं जाती वह जब तक ये जो मोर्चा है वो लगातार जारी रहेगा। रविवार को लुधियाना, फिरोजपुर और संगरूर समेत पंजाब के कई हिस्सों से किसान मोहाली में फेज 11 के पास पहुंचे। 3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन के लिए किसान अपना राशन, बिस्तर, बर्तन और रसोई गैस सिलेंडर जैसे तमाम जरूरी सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों, कारों और दूसरी गाड़ियों पर लाद कर पहुंचे हैं। असी परसों रोज ते शाम ते असी इत्थे ट्रालियां हर लंगर तैयार कर रहे हैं परसों ते। बाकी हुण साडी रणनीति है जो संयुक्त किसान मोर्चे ने सानू 28 तक का अल्टीमेटम दिया वा, अगर जे ना मन्ने तां जो इन्हां दा साढ़े पास जिहड़ा राशन पानी है ये घट्टो घट्ट साढ़े पास महीने का लेकर आए हैं। और ऐ नहीं है भी सानू 4 दिन की कॉल ते भी 4 दिन का राशन लेकर आए हैं। जे मोदी सरकार भी ना मन्नी तां असीं दिल्ली जो हुण देख लो दिल्ली वाला ही बॉर्डर बनाते असीं। किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। कृषि कानून निरस्त हो चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान मरने वालों के परिवार को मुआवजा, नौकरी, कर्ज माफी और पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि देश में किसानों और मजदूरों की एक यूनिटी, ये कोऑर्डिनेशन जो हो चुकी है और इससे एक बड़ा लोक आंदोलन, जन आंदोलन जो देश में बनने की तैयारी चल रही है, बड़ा जन आंदोलन मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले पहले एक बड़ा जन आंदोलन देश देखेगा। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों ने धरने की जगह पर ही गुरबानी का जाप किया। इस मौके पर किसानों ने धरने की जगह पर लंगर का भी आयोजन किया।